आज हम बनाएंगे एकदम खिला खिला पोहा। पोहा बनाने के लिए हमें चाहिए पोहा। मैंने यहाँ पे 1 कप पोहा लिया है, एक ये बड़ा बाउल है, मस्टर्ड सीड, चना दाल जिसे मैंने भिगो के रखा था, आलू। आलू देखिए मैंने किस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक और छोटे छोटे काटे हैं। हमें आलू इस तरह से बारीक और छोटा काटना है। साथ में चाहिए प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च और कुछ कलियाँ लहसुन की। आप इसमें अपनी पसंद की कोई भी सब्जी यूज़ कर सकते हैं। नमस्कार, किचन की ABCD में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैंने कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच ऑयल लिया है। मैंने सरसों का तेल यूज़ किया है। आप इसमें अपनी पसंद का कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने इसमें अपने कटे हुए आलू डाले हैं। इसे हमें हल्का सा फ्राई करना है बिल्कुल। अगर आप चना दाल की जगह मूंगफली का यूज़ करना चाहते हो तो आप उसमें मूंगफली का यूज़ भी कर सकते हैं। अब देखिए फ्राई हो चुके हैं, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। ये देखिए मैंने सभी आलू कढ़ाई से निकाल लिए हैं। अब हल्का सा तेल गरम हो जाएगा तो हम उसमें डालेंगे 1 चम्मच मस्टर्ड सीड, सरसों के दाने। जब सरसों का दाना चटकना स्टार्ट हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे अपनी चना दाल। आप इस टाइम पर अगर चना दाल नहीं यूज़ करना चाहते हो तो आप मूंगफली भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ लहसुन, प्याज और शिमला मिर्च। देखिए मैंने ये तीनों चीज़ें डाल दी हैं। अब हम इसे हल्का सा सॉटे करेंगे। हमें प्याज को गोल्डन ब्राउन या ब्राउन होने तक नहीं भूनना है, हमें इसे हल्का सा सॉटे करना है। जब ये थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तो हम इसमें अपने टमाटर डाल देंगे। ये देखिए हमने इसमें जो चना दाल है वो हल्की सी फ्राई की है। बिल्कुल जैसे वो हल्का सा ब्राउन कलर हो जाएगा तो हमने इसमें अपना प्याज डाल दिया है। अगर आप चना दाल या मूंगफली ज़्यादा फ्राई करोगे तो वो कड़वा टेस्ट देगी, इसीलिए उसे बिल्कुल हल्का सा फ्राई करना है। अब देखिए हमने इसमें डाल दिया अपना टमाटर। टमाटर को हम सॉफ्ट होने तक अच्छे से पकाएंगे। मैंने जो इसमें चना दाल यूज़ की है उसे मैंने 2 घंटा पहले भिगो के रख लिया था। अब हम इसमें डालेंगे नमक। मैंने इसमें 1 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा नमक यूज़ किया है। साथ ही में डालेंगे हल्दी 1/4 टीस्पून। नमक डालने से हमारे टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे। और इस समय मैं डाल रही हूँ इसमें आलू, जो मैंने पहले फ्राई करके रखे थे आलू, वो इस समय हम इसमें डाल देंगे और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। हमें इन सब चीज़ों को तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है। ये देखिए टमाटर जब अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे पोहा। मैंने पोहे को पहले 4-5 बार पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है। हमें उसे भिगोने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसे हमें अच्छे से 4-5 बार पानी से वॉश करना है। अगर हमारे पोहे में पानी रह जाएगा अगर हम उसे भिगोएंगे तो हमारा पोहा जो है वो सौगी सौगी बनेगा, इसीलिए हमें पोहे को सिर्फ 4-5 बार धोना है और उसे अच्छे से पानी पूरा ड्रेन कर देना, निकाल देना है पूरा पानी उससे। ये देखिए ये पोहा मैंने इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। ये देखिए इसमें अब बिल्कुल भी पानी नहीं है, लेकिन ये अच्छे से गीला हो चुका है पूरा। अब मैं इसमें अपना पूरा पोहा डाल दूँगी। ये देखिए मैंने इसमें अपना पूरा पोहा डाल दिया है। अब हम पोहे को अपनी सब्जियों के साथ, मसालों के साथ अच्छे से मिला लेंगे। इसे हमें अच्छे से सब्जियों और मसालों के साथ मिक्स कर देना है। ये देखिए हमारा पोहा अच्छे से मिक्स हो चुका है। इसे हमें तकरीबन अब 1 मिनट के लिए अच्छे से सब्जियों के साथ सॉटे करना है फुल फ्लेम में। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अब देखिए हमारा पोहा 1 मिनट के बाद अच्छे से मिक्स हो गया है सब चीज़ों के साथ। अब हम इसमें डालेंगे आधा छोटा नींबू। अगर आपको खट्टा ज़्यादा पसंद है तो आप इस समय इसमें ज़्यादा नींबू भी डाल सकते हैं। आप अपनी पसंद से नींबू और नमक, मिर्ची सभी स्वाद अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हमें इसे अच्छे से मिला देना है सारे पोहे के साथ। हमें इसे अब तकरीबन 20 से 30 सेकंड के लिए फुल फ्लेम में अच्छे से पकाना है।
ये देखिए हमारा नींबू भी अच्छे से पोहे के साथ मिल चुका है। ये देखिए हमारा पोहा बिल्कुल खिला खिला बना है। सर्व करते हुए आप इसे अनार का दाना, भुजिया, धनिया पत्ता किसी भी चीज़ से गार्निश कर सकते हैं और गरम गरम परोसें। देखिए हमारा पोहा बिल्कुल खिला खिला बन के तैयार हुआ है। देखिए कितना कलरफुल दिख रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।